जय हिंद मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। तो आज संडे है और आज का प्लान है राइड का। और हालांकि पिछले 2 संडे से मैं नहीं जा पाया राइड पे क्योंकि कुछ काम आ गया था मुझे, लेकिन इस संडे हम लोग राइड पे जाने वाले हैं एंड दैट टू इज़ गोना बी ऑफ रोड। तो ऑफ रोडिंग पे हम लोग 3-4 लोग हैं जाने वाले, कुछ नए बंदे भी आएंगे, मतलब जो पहले नहीं आए हमारे साथ। तो यहाँ से निकलेंगे हम लोग और मीटिंग पॉइंट है मेरा सेम एज़ यूजुअल, कारगी चौक पे। कारगी चौक पे मैं मिलूँगा रमन से और रमन भाई और मैं मिलके जाएंगे हम लोग सीधा रायपुर चौक, मतलब जो महाराणा प्रताप चौक है वहाँ पे जाएंगे हम लोग। और वहाँ से फिर मीटअप होगा, वहाँ से सारे निकलेंगे आगे ऑफ रोडिंग के लिए, जो कि मालदेवता से बौंठा की तरफ को पड़ता है। तो वीडियो पूरी देखना बिना स्किप किए, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और निकलते हैं। भाई लोग, रमन भाई आ गया है बहुत ही लेट, 7:19 7:20 पे पहुंचने का प्रोग्राम था सर्वे चौक में। हाँ भाई, गद्दार आदमी। कुत्ते पीछे पड़ गए थे भैंसियों के सारे, घर से बाहर निकला 6-7 कुत्ते एक साथ, सबने घेर लिया। सही बात है। क्या अच्छा, 9:20 लगा दी, ऐसे पता नहीं चल रहा ना, बाद में पता चलेगा। और पहुंचने वाले हैं अपन लोग सर्वे चौक। और जी मालिक, क्या हाल है? ये एक नंबर का गद्दार आदमी आ रही है। छी, तो अब यहाँ से निकलेंगे सीधा रायपुर चौक, महाराणा प्रताप चौक पे। अब वहीं पे सारे बाकी भाई लोग जितने भी हैं वहीं मिलेंगे। तो धूप बढ़िया हो रखी है, तो आज बारिश का तो कोई असर लग नहीं रहा। तो वो अभी सारे भगाते हुए पहुंचने वाले हैं मालदेवता, और वहां से फिर अपन लोग जाएंगे ऑफ रोड करने के लिए। ये देखो भैया, आज संडे है तो खूब सारे लोग साइकिलिंग में भी कर रहे हैं, तो मज़े आने वाले भाई आज। अरे तो आज इस रोड पे जाने वाले हैं अपन लोग। अरे कहाँ कहाँ घुस रहे हैं लोग। मौसम बड़ा मस्त हो गया है, हल्का हल्का ठंडा लग रहा है। और ये रमन भाई पूरा गेयर पहन के आ रखे हैं भैया, आज तो आर्मर वीरमर सब। ये भैया अच्छा पार्क करते हुए जा रहे हैं। इन 9:20 वाले तो भग लिए भाई, हम छोटे टायर वाले पीछे रह गए भाई। सगरी रोड है तो मोड़ों पे थोड़ा ध्यान से, कोई अचानक से भी आ सकता है भाई, इंसान ना होगा वैसे तो भी लग जाएंगे हमारे। मौसम मस्त, रोड भी मस्त, लेकिन धूल मिट्टी मस्त नहीं भाई। एक बात है, बारिश हुई होती ना तो ये कम से कम धूल मिट्टी ना उड़ रही होती। बाप रे, रोड तो बड़ी सही है भाई, मतलब रास्ता तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, नज़ारा अच्छा है। रास्ता देख रहे हो क्या, जबरदस्त है। लेकिन यहाँ के गांव वालों की तो रेल बन जाती होगी जब रास्ता वस्ता बहता होगा तो। क्या आपकी मजा आ रहा है इसे बगाने में? हाँ, मैं तभी पीछे पीछे चल रहा हूँ भाई, ये तो खोपड़ी फोड़ देंगे ये लोग, पत्थर मार के खोपड़ी में। तो अब अपन लोग रूट चेंज कर रहे हैं, यहाँ से नहीं जा रहे, वापस जा रहे हैं बौंठा से, जहाँ पिछली बार गए थे ऑफ रोड करने के लिए, जहाँ मैं पलटा भी था, वहाँ जाएंगे अभी हम।
रास्ता ज़्यादा सही लग रहा है, पर आगे जाके फिर रोड ख़राब होने वाली ही है। ये देखो इन 920 वालों से दूर रहना है भाई। हमने डाल रखी है रैली मोड, यानी कि ABS काम नहीं करेगा, तो वी हैव टू डू द वर्क मैनुअली। तो ये हम लोग कम से कम और कितना दूर होगा यहाँ से, करीबन 2-2.5 किलोमीटर और नीचे जाना है, उसके बाद शायद हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ तक, मतलब मीटिंग पॉइंट तक। और ये गाड़ी वाला रुक गया हमारे लिए। आगे जाने का। ये रोड यहाँ से बह गई थी, दोबारे बनी है। एक्सीडेंट होते होते बच गया, अच्छा है कि हुआ नहीं भाई। तो अभी हम लोग निकल गए वापस, और वहाँ पे हमने को मिलने वाले हैं अब्बल भाई और बखांडी भाई। तो सार्थक तो भग लिया, रमन भग लिया, अब हम तीन बचे हुए। अरे क्या हाल है भाई? रमन भाई एक ट्रैकर में बैठ गया था जाके, पहले बच गया। हाँ भगाया जा रहा ट्रैकर में बैठ गया था जाके। चलो आगे पीछे कर लो यार गाड़ी, थोड़ा सा आगे रुकते हैं, लाइन अप बनाते फिर निकलते हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया, बस काट रहे। तो बखांडी भाई और अब्बल भाई तो आगे आगे निकल गए भाई, हम लोग ही पीछे रह गए, अनाड़ी लोग, हम कच्चा पापड़ हैं हम लोग। यही थी वो जगह जहाँ पे मैं पलटा था, इस जगह पे। ये देखो भाई नज़ारे, अगर दिख रहे हैं तो। यार इतने रिमोट एरियाज में ये गांव है ना, बता जो हम लोग ऑफ रोडिंग बोल रहे हैं तो लोग डेली करते होंगे। दोनों मोटर रिंग्स वाले बखांडी भाई और सार्थक। ये देखो भाई देहरादून कैसा दिखता है यहाँ से, क्या जबरदस्त दिख रहा है। व्यू तो बड़ा सही है भाई, पिछली बार नहीं पता चल रहा था इतना, पिछली बार खाली बादल दिख रहे थे, बारिश दिख रही थी बस, आज दिख रहा है व्यू। और रोड भी बनाने का काम शुरू हो गया है। अब्बल भाई कंडक्टरी करते हुए, निकल जाएगी।
क्या क्या जतन करके निकालनी पड़ रही है, हैं? आप ले लो थोड़ा आगे, मेरा तो हो जाएगा काम। आना है क्या उमंग? आऊं? खींच लो यार, एक मिनट अब, एक मिनट। चढ़ जाएगा टायर पे, चढ़ जाएगा। ये यहाँ पे भी तो खड़ी नहीं होगी है। हाँ हाँ, वो और नीचे जाएगी गाड़ी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, फंस गई नीचे गाड़ी, फंस गई नीचे गाड़ी, रुक जाओ रुक जाओ, नहीं आएगी, फंस गई गाड़ी पूरी नीचे, नहीं निकलेगी, फंस गई गाड़ी। अभी मैं रेस दूंगा ना, पूरी गाड़ी लेट जाएगी। यही हो रही थी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले न्यूट्रल कर लूं। ऊपर खींचो, मेरे साइलेंसर कवर के लग गई भाई। अरे यार कान स्क्रैच मार गई मैंने, बहुत बुरी कंडीशन है। क्या हुआ? अच्छा तो अरे देखो पूरी डालो रखा मार, मैं निकल के चला गया, चलो आज चलो। चलो ये होता भाई पुराना चावल। ये देखो भैया ऑफ रोड, ये तो बहुत ही खतरनाक वाला है, इसमें टायर बहुत तगड़े फिसल रहे हैं। मोमेंटम इज द की, मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए कहीं पे भी। हाँ ये क्या है, पंचायत घर क्या? हाँ भाई साहब, कैसी तो रोड है यार, ये खतरनाक है बहुत ज़्यादा। एक गलती और गया बंदा, ऐसा था हो जाएगा। ये देखो भैया यहाँ रुकने के लिए बोला है, वो चलाते हैं ना उनकी बाइक पीछे से, कैसे जा रहे हैं स्टाइल ही कुछ अलग है भाई। स्टाइल पता क्या है, क्योंकि उस बंदे को सही जगह पे सही टेक्निक पता है। हम लोगों का क्या सीन है, हम लोगों को बस ये पता है कि बस थ्रॉटल दाब दो और ब्रेक मार दो, सीधी सी बात है ना। उस बंदे को ये पता है, वो क्या करता है अगले पहिए को ना सीधा जमीन के अंदर गाड़ देता है भाई। उसका माइंडसेट है, वो कहता है जितना अगला पहिया दबा होगा वो पूरा वेट डाल दो उससे। वो टर्न पे वही तो करता है, कभी देखना उसको टर्न पे, वो ऐसे बैठ जाता है। हम लोग टर्न पे ऐसे बैठे रहते हैं, हमें बॉडी बैलेंसिंग नहीं आती, मतलब बॉडी बैलेंसिंग वही जो शिफ्टिंग है ना कि सीधा आगे टैंक पे, और टैंक पे जैसे ही टैंक खत्म हुआ सीधा पीछे। छोटी छोटी मगर बहुत ही बातें। सार्थक कैसे लग रहा, गम्बूट पहन के आ रखा। चल ठीक है देखते हैं।
भाई एकदम से ऐसे ब्रेक मत मारो। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं थोड़ा सा चाय वही पी के, और अब जा रहे हैं ये वाला रास्ता जो है वो सहजारा से निकलेगा, क्योंकि जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस उठ जाएंगे अब, तो इसीलिए यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। अब पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ कि आ ही रही हो। रोड तो बढ़िया लग रही है। थोड़ी जगह मिल जाएगी। हाँ देख के आओ एक बार। बाकी सारे लौंडे तो निकल गए। तो हम हल्के हल्के से विद लो ब्रेकिंग जा रहे हैं। एक ब्रेकिंग और इंजन ब्रेकिंग दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे में। अगर एक भी चीज़ ज़्यादा हुई तो मुंह के बल गिरूंगा नीचे और ज्योग्राफी बदल जाएगी। चलो भाई। अबे भाई यार क्या तू आदमी है क्या? तो मेरे को मारने के लिए निकल रहा है घर से आज। चल आगे। तो भाई लोग आज की राइड हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों को आज का कंटेंट, आज की जो वीडियो है, आज का जो व्लॉग है, ये कैसा लगा है मेरे को ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगा, बुरा लगा, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स जो भी मैं बोलता हूँ सब कुछ। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, मेरे तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे यार, पता नहीं क्या कर रहे हो। तो थोड़ा देखो उसको और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो तब तक के लिए राइड सेफ। जय हिंद, जय भारत।